यूट्यूब चैनल आई टी डेली जॉब अपडेट पर गाइस अगर आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज़ आई टी पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आई टी से संबंधित सभी प्रकार की जॉब अपडेट की लेकर आता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आई टी पास आउट छात्रों के लिए बिजली विभाग से रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसके लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो बना करके बता दिया था। आई टी पास आउट छात्रों को काफ़ी अच्छी खुशखबरी 2023 में देखने को मिल रही है, जहाँ पर आपको परमानेंट सरकारी भर्ती निकल कर आ रही है। 53 पोस्ट पर टोटल 19,900 से 63,200 रुपये पर मंथ सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ऑल इंडिया कैंडिडेट सभी स्टेट के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। साथ ही गाइस अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो गाइस देखिएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे असिस्टेंट लाइनमैन की जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है चंडीगढ़ पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, एएलएम की जो वैकेंसी है उसके लिए टोटल पोस्ट जो है वो 53 है। यहाँ पर यूआर की 25, ओबीसी की 14, एससी की 9, ईडब्ल्यूएस की 5 हैं वैकेंसीज। और इसके जो फॉर्म हैं आज से स्टार्ट हो गए हैं गाइस, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे 9/1/2023 यानी कि 9 जनवरी 2023 से। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी जल्दी और कितनी फास्ट अपडेट आप लोगों को हमारे चैनल पर आई टी पास आउट छात्रों के लिए देखने को मिल रही हैं। आज ही इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज ही जो है आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के मैं वापस से आ गया हूं। 9/1/2023 से 3/2 यानी कि 3 फरवरी 2023 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन अबव द टेंटेटिव एंड मे वेरी, यानी कि पोस्ट घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं डिपार्टमेंट के अनुसार, डिपार्टमेंट उसको वेरी करता है, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट जो होंगे 9 जनवरी 2023 यानी कि आज से स्टार्ट हो गए हैं, 31/1/2023 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फीस 3/2/2023 तक आप इसकी जमा करवा सकते हैं गाइज। इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट बात जो होती है आई टी पास आउट छात्रों के लिए कि किस किस ट्रेड के कैंडिडेट जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो देखिएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो गाइस यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है मैट्रिक पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट होना चाहिए, आईटीआई पास आउट आप लोग होना चाहिए किस ट्रेड से, या तो अपने आईटीआई अगर अपना लाइनमैन ट्रेड से किया है या इलेक्ट्रिशियन से किया है वायरमैन ट्रेड से किया है। तीनों ही ट्रेड काफ़ी बेस्ट हैं, तीनों ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बिजली विभाग में ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। लाइनमैन जो है लाइनमैन भी इलेक्ट्रिशियन की ही ट्रेड है, ये याद रखिएगा, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। और वायरमैन ट्रेड के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि तीन ट्रेड से पास आउट छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए हिंदी या पंजाबी दोनों में से किसी की भी, तो हिंदी की नॉलेज बेसिकली सबको होती है, अगर नहीं है तो पंजाबी की नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए गाइज। इसके बाद हम यहाँ पर बात करें अगर एज लिमिट की, तो यहाँ पर एज जो है 18 से 37 साल रखी गई हैं, अनरिजर्व यानी कि यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 18 से 40 साल रखी गई हैं, ओबीसी के लिए बिकॉज इसमें +3 एज आपका रिलैक्सेशन हो जाता है, और 18 से 42 रखी गई हैं एससी कैटेगरी के लिए गाइज। आप लोगों को यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं है तो एसटी कैटेगरी वाले जो हैं वो यूआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनको जब कट ऑफ निकलेगी तो यूआर की कट ऑफ हाइट करनी पड़ेगी गाइज। मोड ऑफ सेलेक्शन की बात करें तो आप लोगों को पता ही है 2 घंटे का आप लोगों का इसके लिए रिटर्न टेस्ट होने वाला है। इसमें 40% क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोगों को लाने होंगे। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड यानी कि आप लोगों का इसके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं रहेगी। आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। एमसीक्यू की बेस्ड एग्जाम आपका इसमें रहेगा। आप लोगों को सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। ड्यूरेशन प्रोबेशन पीरियड ऑफ 3 ईयर एंड ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड, 3 साल तो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ये मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी आप लोगों को बता दिया था। एक न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट सेल भी ग्रांटेड पे स्केल एज पर 7 CPC आप लोगों को यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। तो गाइज देरी किस बात की है, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। आप लोग जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ ऑनलाइन अप्लाई करने का, जो कि गवर्नमेंट लिंक है चंडीगढ़ गवर्नमेंट का, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आप इस फॉर्म को 31 तारीख से पहले पहले फिल कर दीजिएगा। 31 जनवरी से पहले पहले आप लोगों को ये फॉर्म फिल कर देना है, और 3 तारीख जो इसकी रखी गई है 3 फरवरी 2023 वो इसकी फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट रखी गई है। एक बार फिर से हम एप्लीकेशन डेट पर ध्यान दे लेते हैं कि क्या क्या डेट इसके लिए हैं। तो देखिए फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं 9 जनवरी 2023 यानी कि आज से स्टार्ट हैं, लास्ट डेट रखी है 31 जनवरी 2023 फॉर्म भरने की, और एप्लीकेशन फ़ी पे करने की 3/2/2023।
सो गाइस आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा जल्दी से 3/2/2023 को 4 बजे से पहले पहले, 4:30 बजे से पहले पहले आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ, जो रहेगी ITI पास आउट छात्रों के लिए सरकारी भर्ती की अपडेट, सरकारी अप्रेंटिस भर्ती की अपडेट, इसके साथ ही अगर किसी बड़ी कंपनी में परमानेंट भर्ती निकलती है तो उसकी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।